हेलो पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन होराइजंस के एंडिंग के बारे में, लास्ट एपिसोड के बारे में कि कब खत्म होगा। जितना इसका वेट होराइजंस के डाई हार्ड फैन कर रहे हैं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा इस किस्म के फैंस यार वेट करे बैठे हैं कि कब खत्म होगा ये मनुष्य वाली सीरीज। ऐसा नहीं है यार, सीरीज अच्छी है। अगर तुम इसको एज ए स्टैंड अलोन पोकेमोन सीरीज मानो तो डेफिनेटली काफी अच्छी है, एंगेजिंग है एंड जो मिस्ट्री बिल्ड कर रही है ना, अगर एंड में जाके ये पे ऑफ हो जाएगी तो ये डेफिनेटली पोकेमोन एस किस्म की इनोवा सीरीज एंड एलोला सीरीज से भी कई गुना ज्यादा ही अच्छी हो सकती है। वैसे एलोला की कहानी भी अच्छी थी, लेकिन जो इसमें मिस्टीरियस एलिमेंट लुमिनियस लेजेंडरी पोकेमोन जो भाई एलिमेंट ऐड कर रखा है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस इसमें पोकेमोन बैटल थोड़ी कम होती है, लेकिन जब भी होती है उसका एक्शन एडवेंचर कोरियोग्राफ एंड जो दिमाग स्ट्रेटेजी लगाते हैं ना, वो ज्यादा बेहतरीन मुझे लगता है। लेकिन कोई ना, तारीफ करने नहीं बैठे, हमारा टॉपिक है एंड लास्ट एपिसोड, वो कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये सीरीज शुरू हुई थी अपने यार अप्रैल 2023 के अंदर, अब 2024 खत्म होने को आया है, लेकिन फिर भी ये सीरीज का एंड कब होगा हमको पता चल नहीं पाया है। क्योंकि यार ये सीरीज जो है ना, पुरानी सीरीज जैसी नहीं है। पुरानी सीरीज के अंदर क्या होता था, अपना एक सीरीज होता था यानी कि पोकेमोन जर्नीज है, तो उसके अंदर 3 सीजन आते हैं, जैसे कि पोकेमोन जर्नीज, पोकेमोन मास्टर जर्नीज, पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज, पोकेमोन M2 बिकम पोकेमोन मास्टर। तो ये सारे चारों के चारों सीजन पोकेमोन जर्नीज के पार्ट थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर रखा है, जैसे कि चैप्टर 1 लिकोरोय डिपार्चर, चैप्टर 2 स्पार्कलिंग ऑफ टेरापेगोस पोकेमोन, चैप्टर 3 द टेरेस्ट्रियल डेब्यू एंड चैप्टर 4 जो कि आज 13 सितंबर से शुरू होने वाला है, राइजिंग रेकवाजा। तो डेफिनेटली ये ऐसे होने वाला है, लेकिन इसका एंड कब होगा उसका आइडिया हमको इस बात से पता चलेगा कि इसके अंदर कितने एपिसोड है। तो इसके अंदर आज 68 एपिसोड आने वाला है एंड अगर हम गेस करें तो इसके अंदर 100 एपिसोड होने चाहिए, यानी कि 32 एपिसोड अभी भी बाकी है और हर हफ्ते एक एपिसोड आता है। तो इसका जो आखिरी एपिसोड है एपिसोड 100, वो आएगा 2 मई 2025 के अंदर। लेकिन ये तो हमने अनुमान लगाया कि इसके अंदर 100 एपिसोड होंगे, लेकिन जनरली पोकेमोन की जो मेन एनिमे सीरीज होती है उसके अंदर कलेक्टिवली 140 प्लस एपिसोड होते हैं। तो इसका अगर आखिरी एपिसोड 140 एपिसोड है तो हमको 40 वीक को ऐड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसका जो आखिरी एपिसोड है वो 6 फरवरी 2026 के अंदर आएगा, यानी कि ये दो डेट है, किसी भी दिन पोकेमोन होराइजंस एंड हो सकता है। तो इस सीजन के फैंस यार नाराज मत हो, ये जरूरी नहीं है कि यार ये सीरीज एंड होगी तो अगली सीरीज जो आएगी उसमें पक्का एज किस्म होगा। अरे पक्का तो ये भी नहीं है कि अगली सीरीज में लिकोरोय होंगे भी या फिर नहीं, या फिर पूरी की पूरी इनकी कहानी, लिकोरोय का सपना, एडवेंचर, जो भी स्टोरी बनाई है ना, वो इसी सीरीज के अंदर एंड हो जाए। काफी हाई पॉसिबिलिटी है, काफी हाई चांसेस है। तो डैश वाइज इसके एंडिंग को डिस्कस करते हैं। तो अगर तुमने पोकेमोन होराइजंस को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो भी तुम इसको देख सकते हो, क्योंकि यार मुझे भी पता नहीं है कि एंड के अंदर होगा क्या, तो तुम्हें स्पॉइलर तो मिलने नहीं वाले। तो देखो, हमारे हीरोज राइजिंग वॉल टेकलर्स एंड टीम एक्सप्लोरर्स एंड के अंदर आमने सामने आएंगे और एक अंतिम युद्ध करेंगे, एक एंड गेम टाइप बैटल करेंगे, जैसे कि केलोस के एंड में हुआ था, अपने टीम फ्लेयर वर्सेस सारे केलोस के मेंबर के बीच में मुकाबला हुआ था ना, वैसे ही इसके एंड में भी होगा। लेकिन इस बार जो राइजिंग वॉल टेकलर्स के पास जो मेंबर होंगे ना, वो लूसियस के पोकेमोन होंगे और पूरी पूरी लूसियस की मिस्ट्री को सोल्व किया जाएगा कि यार वो जन्नत में कहां पे गए थे, असली जन्नत कहां पे है, इन पोकेमोन का असली प्लेस कहां पे है, यानी कि ये पोकेमोन कहां से आए हैं, तो वो सब हमको पता चलने वाला है। लेकिन इस सीरीज का एंड कैसा होगा, क्या ये प्रॉपर एंड होगा या फिर अगले सीजन में इसकी स्टोरी और कंटिन्यू होगी, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यार पोकेमोन चाहे तो दोनों काम कर सकते हैं। अगर वो अगली सीरीज में भी लिकोरोय का एडवेंचर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एंड में अपने गिबियन जो कि टीम एक्सप्लोरर का बॉस है उसके पास जाइग्रेट पोकेमोन है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लूसियस जो कि यार अपना एंशिएंट ट्रैवलर था उसकी मिस्ट्री सोल्व हो जाएगी, लेकिन जो जाइग्रेट की मिस्ट्री है वो ऑन हो जाएगी और अपने अगले सीजन के अंदर लिकोरोय और उनका ग्रुप जो होगा वो जाइग्रेट की मिस्ट्री को सोल्व करेगा और जाइग्रेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पोकेमोन लेजेंड्स जेड। तो अगली सीरीज के अंदर अपने हीरोज जो होंगे लेजेंड्स जेड के एडवेंचर को दिखाएंगे, तो ये काफी अच्छा आइडिया होगा कि यार
कि पूरे सीजन के अंदर हमने पोकेमोन का पालदिया रीजन देख लिया और अगले सीरीज के अंदर हम ओल्ड केलोस को देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यार इस सीरीज के एंड में जाइग्रेट पोकेमोन टाइम ट्रैवल एबिलिटी को अनलॉक कर ले। तो इस तरीके से ये अगले सीजन में भी लिकोरिया को कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइग्रेट। इसके होने के चांसेस है लेकिन काफी कम चांसेस है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि यार ये पूरी कहानी जो है ना एक लिमिटेड एपिसोड वाली सीरीज है, 140 एपिसोड या फिर 100 एपिसोड के अंदर अपने लिको रोय और पूरे राइजिंग वर्ल्ड टेकलर्स और होराइजंस की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा एंड फिर हमको दिखाया जाएगा नए कैरेक्टर का नया सफर। बिकॉज लिको रोय को जितना पॉपुलर होना चाहिए वो उतने हो नहीं पाए हैं और नए कैरेक्टर आएंगे तो यार लोग जो है ना एस की नफरत को भूल जाएंगे और नए कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अगली सीरीज आए उसके अंदर नए कैरेक्टर के बजाय एस केचम ही हमको दिखाया जाए। बिकॉज काफी लंबा समय हो चुका है, 2023 में एस केचम गया था, अब 2025 या 2026 के अंदर अपना एस केचम कमबैक कर सकता है। और अगर इसके अंदर 140 प्लस एपिसोड होते हैं तो भाई 6 फरवरी 2026 को ही खत्म हो जाएगा और 2026 के अंदर पोकेमोन की यार 30वीं सालगिरह है तो उसके अवसर पर एस केचम भी कमबैक कर जाएगा, पोकेमोन होराइजन भी एंड हो जाएगा, लिकोरियो की कहानी दी एंड खत्म खात्मा हो जाएगा और फिर एस केचम की कहानी को हमको दिखाया जाएगा स्पेशल अवसर पर, एस का कमबैक हमको दिखाया जाएगा। तो समझे, इतना ज्यादा बोलने के बाद समझे कि नहीं समझे हो ना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।